Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी कैंपस आगरा पर। हम परसेंटेज में जो टाइप है उन सभी को स्टडी कर चुके हैं। परसेंटेज के प्यारे विद्यार्थियों, सारे टाइप खत्म हो गए, कोई भी परसेंटेज का ऐसा टाइप नहीं बचा जो मैंने आपको पीछे क्लास में नहीं कराया हो। अब हम प्रतिशत से, परसेंटेज से ऐसे क्वेश्चन स्टडी करेंगे जो एग्जाम में मिसलिनियस टाइप के पूछे जाते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मैंने पीछे टाइप कराए हैं, उन किसी भी टाइप से रिलेशन नहीं होता है उनका, और उससे रिलेशन मतलब जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने पीछे नहीं पढ़े, पीछे वाले टाइपों में नहीं पढ़ पाए, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आज की क्लास में हम उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, और प्रैक्टिस के तौर पर इनको लेंगे, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि परसेंटेज सारा खत्म हो गया है, सारे कंसेप्ट हमारे समझ में आ गए हैं, सारी चीजें समझ में आ गई हैं, अब चीजों को धीमे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखेंगे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस के लिए है ये वाला क्वेश्चन। 60 जोती गई भूमि पर लगान लगाया जाता है। राजस्व विभाग ने उदय के गांव से 384,000 एकत्रित किए। उदय जो कि अमीर किसान है, केवल 480 रुपए लगान भुगतान करता है, तब उदय की कुल भूमि, गांव की कुल लगान योग्य भूमि का कितने प्रतिशत है? तो सबसे पहले जब कभी भी क्वेश्चन आपको किसी भी टॉपिक से दिखेगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में दिया क्या है। तो क्वेश्चन में दिया है 60% जोती गई भूमि पर लगान लगाया जाता है। इसका मतलब यह है कि पूरी भूमि पर लगान नहीं लगाया जाता है, जो व्यक्ति भूमि जोतता है उसकी मात्र 60% भूमि पर लगान लगाया जाता है। पहली बात यह ध्यान रखनी है। उसके बाद उसने क्या कहा है, राजस्व विभाग ने उदय के गांव से, मतलब कोई व्यक्ति है उदय, उसके गांव से कुल कितने रुपए एकत्रित किए, 384,000, ये हमको पता लग गया। इसका मतलब 384,000 कोई कर का रेट होगा, जो उस कर के रेट से भूमि पर जो लगान लगाया जाता है वो 60% भूमि पर लगाया जाता है। इसका मतलब उदय के गांव की 60% भूमि पर लगान की राशि 384,000 है, ये स्पष्ट हो गया। फिर उसके बाद उसने कहा है, उदय जो कि अमीर किसान है, केवल 480 रुपए लगान भुगतान करता है। इसका मतलब इसने उदय की भूमि पर जो कर लगा है वो इसने अलग से दे दिया है, 480 रुपए भुगतान करता है, तब उदय की कुल भूमि गांव की। अब देखो पूछा क्या है इस चीज को देखेंगे जो हमसे पूछा है। तो उसने पूछा है, तब उदय की कुल भूमि गांव की कुल लगान योग्य भूमि का कितना परसेंट है। मतलब हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, पहले तो उदय की कुल भूमि पता होनी चाहिए, उसके अलावा गांव की कुल लगान योग्य भूमि पता होनी चाहिए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले क्वेश्चन को प्यारे विद्यार्थियों समझेंगे, पहले मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। देखो 60% जोती गई भूमि पर लगान लगता है, इसका मतलब अगर किसी किसान की भूमि अपने आप में 100% होगी, तो 100% में से जो टैक्स लगेगा, 100% में से जो टैक्स लगेगा, मात्र 60% भूमि पर टैक्स लगेगा, बाकी की जो बचेगी 40% भूमि, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है, केवल किसी भी किसान की 100% अगर भूमि है, मैंने बताया था कि कोई भी वैल्यू परसेंटेज में 100% होती है, तो किसी भी किसान की भूमि 100% है, तो उसमें से मात्र 60% पर टैक्स लगेगा, 40% पर टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद राजस्व विभाग ने उदय के गांव से 384,000 रुपए एकत्रित किए, इसका मतलब जो टोटल 100% भूमि है इसमें से 60% पर लगान लग रहा है, तो उस गांव की टोटल भूमि से जो कलेक्शन हुआ है, तीन लाख और 84,000 रुपए का। इसका मतलब 384,000 रुपए का जो कलेक्शन हुआ है वो टोटल भूमि की, जो कुल भूमि है उसकी 60% भूमि पर ये कलेक्शन हुआ है। इसका मतलब टैक्स कितना भी परसेंट हो, उस परसेंट से मात्र पूरे गांव की 60% भूमि पर इतने रुपए टैक्स लगेगा। बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, केवल
रुपए 480 लगान भुगतान करता है उदय, उदय जो है उसने कितना भुगतान किया है, तो उदय की वो बात कर रहा है कि उदय जो है वो 480 रुपए भुगतान कर रहा है। इसका मतलब उदय के पास जो भूमि है, उदय के पास जो भूमि है उसकी मात्र 60% भूमि पर कर लगेगा, और 60% भूमि पर कर कितना लग रहा है, तो वो लग रहा है 480 रुपए। ठीक है, 480 रुपए कर लगेगा। उदय की जो भूमि है उस पर पूरी पर कर नहीं लगेगा, क्योंकि भाई सबकी 100% में से मात्र 60% भूमि पर कर लग रहा है। इसका मतलब उदय के पास जो जमीन होगी उसमें से मात्र 60% पर कर लगेगा, तो 60% पर कर कितना लग रहा है, 480। अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तब उदय की कुल भूमि गांव की कुल लगान योग्य भूमि का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा है। तो इसका मतलब उदय की तो कुल भूमि चाहिए और गांव की लगान योग्य भूमि चाहिए, तो आप ये बताइए कि ये जो कुल गांव की जो लगान योग्य भूमि है वो 384,000 का ही तो टैक्स लग रहा है उस भूमि पर एक किसी भी परसेंट से, तो ये जो कर लग रहा है वो पूरे गांव की लगान योग्य भूमि पर लग रहा है। इसका मतलब ये वाला जो रुपए का टैक्स बन रहा है ये गांव की लगान योग्य भूमि पर बन रहा है, और ऐसे ये वाला टैक्स उदय की लगान योग्य भूमि पर बन रहा है। लेकिन यहां पर कंपैरिजन पूछा है उदय की कुल भूमि का और गांव की लगान योग्य भूमि से, इसका मतलब उदय की कुल भूमि पर कितना टैक्स बनेगा पहले ये निकाल लो। तो पहले ये निकाल लो कि उदय की कुल भूमि पर कितना टैक्स बनेगा, तो 60% पर 480 रुपए का टैक्स बन रहा है, इसका मतलब 1% पर कितना लगेगा ये निकालेंगे, तो 480/60 एक भूमि पर कितना, 1% भूमि पर कितना कर लगेगा ये निकल के आ जाएगा। तो 480 को 60 से, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो 8, इसका मतलब 8 रुपए का टैक्स 1% पर लगेगा। तो हमें निकालना है उदय की कुल भूमि पर कितना टैक्स लगेगा, तो उदय की 100% भूमि पर निकालेंगे तो 8 × 100 = 800 रुपए। इसका मतलब उदय की जो कुल भूमि है उस पर 800 रुपए का टैक्स लगता है, और टोटल गांव की लगान योग्य भूमि पर 384,000 रुपए का टैक्स लगता है। तो उसने यही पूछा है उदय की कुल भूमि गांव की लगान योग्य भूमि का कितना परसेंट है, तो इसका मतलब उदय की कुल भूमि पर कितना टैक्स लगता है, 800 रुपए वो ऊपर, उसके अलावा गांव की लगान योग्य भूमि कितनी है उस पर कितना टैक्स लग रहा है, 384,000, जो लैंग्वेज में कहा है उसी को करना है। तो गांव की लगान योग्य भूमि उसके अलावा मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहां पर कैंसिल करेंगे तो देखो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 9 बार कट जाएगा, 9 × 36 96 बार कट जाएगा, 4 से ये हमारा 20 बार कट जाएगा, 4 से ये 5 बार कट जाएगा, और 4 से ये आपका कट जाएगा 4 × 8 और 4 × 16 = 24 बार। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा, 5/24%। इसको ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में नहीं दिया, इसका मतलब इसको पॉइंट में बनाना पड़ेगा। तो देखो 24 से 5 में भाग देंगे नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे 50 हो जाएगा, 24 × 2 = 48, 2 बचेगा 0 नहीं जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.02, ये वाला आंसर आ जाएगा 0.208%, 0.208% हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन में कुछ विद्यार्थियों को ये डाउट हो रहा होगा कि सर यहां पर इसने पूछा है तब उदय की कुल भूमि गांव की कुल लगान योग्य भूमि का कितना परसेंट है, लेकिन आपने यहां पर जो लिखा है ये तो टैक्स है, ये तो कर है, ये भूमि कहां है, तो सर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। ऐसा नहीं है, ये टैक्स तो है, ये बात तो सही है, लेकिन ये टैक्स लग तो उदय की कुल भूमि पर रहा है। इसका मतलब मान के चलो कितने भी परसेंट से लग रहा हो, मान के चलो उदय की जो कुल भूमि है उस पर ये कितने भी परसेंट से टैक्स लग रहा हो, लेकिन लग तो उदय की कुल भूमि पर रहा है। तो उदय की अगर कुल भूमि पर एक्स परसेंट मान लेता हूं मैं टैक्स की रेट, तो एक्स परसेंट से आप टैक्स निकालेंगे तो ऐसे ही तो निकालेंगे, ये मान के चलो उदय की भूमि है, ठीक है, उस पर एक्स परसेंट से टैक्स ऐसे तो निकालोगे, उसके अलावा जो गांव की टोटल लगान योग्य भूमि है उस पर टैक्स भी ऐसे निकालोगे, तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ टैक्स का रेट ये कट जाता है। तो इसका मतलब चाहे तो आप भूमि ले लो चाहे आप कर ले लो, उससे कोई भी फर्क क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने टैक्स ले लिया बस, कि उदय की कर यो मतलब कर लग रहा है 400 से, लेकिन उदय की कुल भूमि पर कितना लगता है अगर 100% पर लगाते तो 60% पर 400 से लगता है, तो 100% पर उसका लगता 800, मैंने पहले ये निकाल लिया। तो 800 रुपए उसने यही पूछा है, उदय की कुल भूमि का कंपैरिजन पूछा है, तो
उदय की कुल भूमि पर टैक्स ऊपर लिख लेंगे, और फिर किससे पूछा है, गांव की लगान योग्य भूमि, इसका मतलब गांव का जो टैक्स लेना है वो लगान योग्य का ही लेना है, केवल 60% का लेना है, 384,000 मल्टीप्लाई 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.28%। तो इस क्वेश्चन को अगर आप शॉर्ट में सॉर्ट करेंगे तो बस ऐसे करेंगे, ये 384,000 जो दिया है ये जो है ऑलरेडी गांव की टोटल जमीन पर नहीं है, केवल लगान योग्य भूमि पर है, और उसने लगान योग्य भूमि पर ही पूछा है, इसका मतलब इसको चेंज नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर उदय की कुल भूमि का पूछा है इसने, जबकि यहाँ दिया है 480 रुपए लगान उदय का, इसका मतलब उदय की 60% जमीन पर लग रहा है ये 480। तो यहां से मैंने क्या किया, पहले इसको 100% भूमि पर निकाल लिया, कितना टैक्स लगता 800, फिर 800 रुपए का टैक्स और 384,000 का कितना परसेंट होगा, वही जो है उदय की कुल भूमि गांव की कुल लगान योग्य भूमि का परसेंट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 0.208%, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं विद्यार्थियों आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन, समझेंगे देखेंगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक कंप्यूटर टाइपिस्ट 20 लाइन वाले पेज को 10 मिनट में टाइप करता है, लेकिन वह पेज के बाईं ओर 8% जगह खाली छोड़ देता है। अब उसने 23 पेज टाइप करने हैं, प्रत्येक पेज में 40 लाइन है तथा पहले की अपेक्षा उसे 25% अधिक जगह छोड़ना है। इन 23 पेजों को टाइप करने में टाइपिस्ट द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें, यह हमसे पूछा है। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करेंगे इसको, फिर मैं आपको बता दूंगा। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो कार्य होता है ना, कार्य जो होता है वो समय के समानुपाती होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है कार्य का समय से। डायरेक्ट रिलेशन हम पहचानते कैसे हैं वो मैंने बताया है कि अगर हम ज्यादा काम हमें करना होगा तो समय हमें ज्यादा लगेगा, और कम समय करना होगा तो इसका मतलब कम समय लगेगा। इसका मतलब जो कार्य में परिवर्तन हो रहा है वो सीधा समय में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब दोनों में कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। परसेंटेज में ये चीजें बता चुका हूं। तो डायरेक्ट रिलेशन के केस में क्या होता है कि जो वर्क पर प्रभाव पड़ता है सीधा सीधा टाइम पर, मतलब जो वर्क का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो दो तरह के रिलेशन होते हैं, एक डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन। तो डायरेक्ट रिलेशन के केस में जो प्रभाव यहां पड़ेगा वही सीधा यहां हो जाएगा, मतलब जो रेशियो कार्यों का होगा वही समय का हो जाएगा। अगर यही इनडायरेक्ट रिलेशन होता तो कार्य के रेशियो का समय का रेशियो उल्टा हो जाता। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि पहले वाले केस में काम कितना है। तो देखो पहले वाले केस में काम कितना है, एक कंप्यूटर टाइपिस्ट 20 लाइन टाइप कर रहा है और पेज को 10 मिनट, समय को भूल जाओ, पहले वाले समय को पहले भूल जाओ, पहले काम देखो कि पहले वाले केस में काम कितना है। तो एक कंप्यूटर टाइपिस्ट 20 लाइन वाले पेज को 10 मिनट में टाइप करता है, लेकिन वह पेज के बाईं ओर 8% जगह खाली छोड़ देता है। मतलब पेज में जो बाईं ओर, जैसे ये पेज होता है इसके इधर वाली साइड में जैसे हम खाली छोड़ देते ना, तो वो 8% खाली छोड़ देता है, बस ये ध्यान रखना है, इसका मतलब ये है। अब उसने 23 पेज टाइप करते हैं, मतलब ये वाला काम उसने किया है 10 मिनट में। तो दोनों पहले आप ये देखो कि पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में कार्यों का रेशियो क्या है। मेरे कहने का मतलब पहले आप कार्यों का रेशियो निकालो कि W1 पहला वाला कार्य कितना है और दूसरा वाला कार्य कितना है। तो पहले कार्यों का रेशियो निकालेंगे, तो कार्यों के रेशियो में पहले वाले केस में कितनी लाइन है भाई, 20 लाइन है। तो पहले वाले केस में 20 लाइन है, ठीक है, 20 लाइन वाले पेज को मतलब केवल एक पेज है 20 लाइन का, और 10 मिनट समय टाइप करता है, 8% जगह खाली छोड़ता है। तो इसको समझेंगे, 8% जगह खाली छोड़ने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे ये लाइनिंग वाली जो कॉपी होती है तो इसमें ये मान के चलो, तो अगर हम इस टोटल स्पेस की बात करें तो अपने आप में 100% होगा। मैं बताया है आपको कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, इसमें से ये 8% खाली छोड़ रहा है, तो मात्र लिखेगा कितने परसेंट में, तो 8% को अगर मैं 100% में से घटा दूंगा तो मात्र 92% में ये लिखेगा। तो हमें तो केवल ये देखना है कि ये लिख कितने में रहा है, खाली से क्या मतलब। तो 92% को लेंगे लिखने वाले को, क्योंकि हमें काम निकालना है। तो 20 पेजों में ये टोटल 20 पेजों को कुल नहीं भर रहा, 8% जगह खाली छोड़कर मात्र 92% भर रहा है। तो ये पहला वाला वर्क हो गया, पहले वाले वर्क में पेजों की संख्या एक है, एक पेज में 20 लाइन है, 8% जगह खाली छोड़ रहा है, तो पेज में लिखेगा कितने में ये देखेंगे, तो 92% में लिखेगा। ये कार्य होगा पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में काम देखो क्या है, पहले काम को देखना है। दूसरे वाले पेज में प्यारे विद्यार्थियों 23 पेज हैं और प्रत्येक पेज में 40 लाइन है, और पहले की अपेक्षा
25% अधिक जगह उसको खाली छोड़नी है। मतलब पहले जितनी जगह खाली छोड़ता था, तो पहले कितना परसेंट जगह खाली छोड़ रहा था, देखो यहां से समझेंगे। पहले 8% जगह खाली छोड़ रहा था, तो पहले 8% जगह खाली छोड़ रहा था, तो अब इससे 25% अधिक जगह खाली छोड़ेगा। तो 25% अधिक का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 5/4। 5/4 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 से 2 बार, 5 दूनी, इसका मतलब अब कितने परसेंट जगह खाली छोड़ेगा ये? अब ये 10% जगह खाली छोड़ेगा। जब 10% जगह खाली छोड़ेगा और पेज कितने हैं? 23। तो देखो दूसरा वाला काम निकालेंगे, दूसरे वाले वर्क में 23 पेज हैं और एक पेज में लाइन कितनी है? 40। भाई लाइनों की संख्या भी निकालनी पड़ेगी, यहां तो सीधी लाइन दी थी, एक पेज था, तो एक पेज में 20 लाइन हो गई सीधी सीधी, लेकिन यहां 23 पेज है और एक पेज में 40 लाइन है, तो टोटल लाइन निकालनी पड़ेगी। उसके अलावा 25% अधिक जगह खाली छोड़ने का मतलब 10% जगह खाली छोड़ रहा है, तो भरेगा कितना पेज? तो ये 90%, मतलब 100 में से घटा के लिखेंगे तो 90% ये भरेगा। तो यहां से हमारा कामों का रेशियो आ जाएगा। तो देखो कार्यों का रेशियो निकालेंगे, 23 से कैंसिल करेंगे 92 को, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 23 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 और 0 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब वर्कों का रेशियो आ जाएगा, यहाँ 2 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 45 बार। इसका मतलब यहाँ से W1 और रेशियो W2 की वैल्यू बराबर आ गई 1:45। इसका मतलब पहले वाले केस में जो काम है और बाद वाले जो केस में काम है, तो बाद वाला जो कार्य है जो पहले वाले कार्य का 45 गुना है। और मैंने आपको बताया है कि वर्क का समय से डायरेक्ट रिलेशन होता है, जितना ज्यादा वर्क किसी आदमी से करवाएंगे उतना ही ज्यादा समय लगेगा, और जितना कम काम किसी आदमी से कराएंगे उतना ही कम समय लगेगा। इसका मतलब पहले वाले केस में कितना समय लग रहा था, तो डायरेक्ट रिलेशन के केस में क्या होता है कि जो रिलेशन, जो वर्क का रेशियो होगा, वही आपका लिए गए समय का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि समय का वर्क से डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो यही आपका सीधा रेशियो हो जाएगा। अगर इन दोनों में इनडायरेक्ट रिलेशन होता तो उस केस में रेशियो फिर उल्टा हो जाता, मतलब 45:1 हो जाता, लेकिन इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है तो जो कार्य का रेशियो वही समय का रेशियो हो जाएगा। तो पहले वाले केस में प्यारे विद्यार्थियों कितना समय लग रहा है? 10 मिनट। इसका मतलब 1:10 का मान 10 मिनट हो गया, तो दूसरे वाले केस में कितना समय लगेगा? तो 45 × 10 = दूसरे वाले केस में लगेंगे 450 मिनट। 450 मिनट ऑप्शन में नहीं, घंटे में बना दिया है, तो घंटे में बना देंगे तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो इसका मतलब इसको मैं ब्रेक करूंगा तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो इसका मतलब 7 × 42, 420 मिनट में 7 घंटे बन जाएंगे, तो 7 घंटे हो गए। उसके अलावा फिर कितना बचा? उसके बाद बचा कितने मिनट? 30 मिनट और बचे, और 30 मिनट कितना हो जाएगा? आधा घंटा। तो 7 सही 1/2 घंटे हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कौन सी ऑप्शन पे है? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आपके एग्जाम में आए प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले आप कार्यों का रेशियो निकालें। कैसे? लाइन कितनी है, पेज कितने हैं, मल्टीप्लाई कितने परसेंट में लिखता है रेशियो, बाद में पेज कितने हैं, लाइन कितनी है और कितने परसेंट में लिखता है। तो ये कार्यों का जो रेशियो होगा वही समयों का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि कार्य का समय से डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन पहचानना मैं आपको पहले बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। फिर यहां से 1:10 का मान 10 मिनट दिया है, और बाद वाला 450 मिनट को घंटे में बना लिया, 7 घंटे आपका आ गया, 7.5 घंटे आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं। चूंकि राम अपने दोस्त को उपहार देने के लिए एक पुस्तक खरीद रहा था, इसलिए उसने पहले दुकानदार को अपने धन के 60% का भुगतान किया। तो एक जो राम है, राम कोई व्यक्ति है, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ पढ़ के ही आपको आधा क्वेश्चन समझा दूंगा। राम अपने दोस्त को उपहार दे रहा था, तो वो उसके पास जो राम के पास धन है उसका 60% जो है वो उसको दे देता है, उसके पास था। हालांकि उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसने जो राशि चुकाई है वह पुस्तक की कीमत का 80% था। इसका मतलब राम के पास जो धन है उसका 60% मान पुस्तक की कीमत का 80% होगा। हमें एक बात तो ये पता लगी इस वाले स्टेटमेंट से, हमें क्या बात पता लग गई? इस वाले स्टेटमेंट से हमें ये बात पता लग गई कि राम के पास जो धन है उसका 60% मान पुस्तक की कीमत के 80% के बराबर होगा। उसके बाद इसलिए दोबारा उसने अपने पास बचे हुए धन में से 40% धन का भुगतान किया, और बदले में किताब के साथ ₹15 प्राप्त किए। तो पुस्तक खरीदने के बाद राम के पास कितनी धनराशि बची, ये हमसे पूछा है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो क्वेश्चन को हटाएंगे, जरा मैं सॉल्यूशन करता हूं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन को हटा दें, क्वेश्चन को हटा दो, खाली स्लाइड लगा दो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पीछे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझेंगे। देखो
दूसरा आज की क्लास का ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, थर्ड क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि राम कोई व्यक्ति है और वो किताब खरीदने गया है भाई, ठीक है, बुक खरीदने गया है। तो राम के पास जो धन है, राम के पास जो धन है उसमें से जब उसने 60% दिया तो बुक का 80% ही पे हो पाया। इसका मतलब राम के पास धनराशि को अगर मैं आर मान लूं तो उसका जो 60% मान है, इसका जो 60% मान है वो बुक की धनराशि को, मतलब बुक के मूल्य को अगर मैं बी मान लूं तो इसके 80% के बराबर होना चाहिए। पहले वाले स्टेटमेंट में यही तो कहा था कि राम ने अपने पास धनराशि का 60% दुकानदार को दिया तो बुक का 80% पे हो पाया। इसका मतलब राम के पास धनराशि का 60% मान बुक की 80% के बराबर होगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 20 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 20 से 4 बार। इसका मतलब राम के पास जो धनराशि है और बुक का जो मूल्य है इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 4:3, यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन हमें परसेंटेज को आगे भी कैलकुलेट करना है तो ठीक है, मैं यहां पर 2 जीरो और बढ़ा लेता हूं अपनी तरफ से। रेशियो में हम किसी भी निश्चित नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमें आगे परसेंटेज निकालना है इसलिए मैंने ये कर लिया। तो इसका मतलब राम के पास धनराशि ये होगी और बुक का मूल्य ये होगा। अब उसमें से देखो बात को ध्यान से समझना, राम ने कितना दिया था इसमें से 60%, तो 60% कितना हो जाएगा 240, 60% 240 हो जाएगा तो बचेगा कितना 160। राम ने पहले 60% ही तो दिया था, इस 60% से बुक का कितना चुक गया था 80%, तो बुक का 80% भी तो वही होगा 240 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो बुक का भी 240 होगा 80%, तो बाकी का जो 20% बचा वो और इसको चुकाना है, तो बाकी का 20% कितना हो जाएगा, तो 240 को इसमें से माइनस करेंगे तो बाकी का 20% हो जाएगा 60। मतलब ये रेशियो और ये चुका देगा तो बुक का पूरा प्राइस चुक जाएगा। तो देखो यहां से आप चेक कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन में कहा है वही वाली बात हो रही है कि नहीं हो रही। राम के पास धनराशि का 60% मान है, वही बुक के धनराशि का 80% मान है, तो ये तो ये पहले चुका चुका है, लेकिन उसे ये चुकाना है। और ये चुकाने के लिए उसने क्या किया है, ये धनराशि चुकाने के लिए उसने अपने पास बचे हुए धन का, उसने देखो क्वेश्चन लगाना जरा, क्वेश्चन लगाना जरा, उसी से ये बात समझ में आएगी। देखो उसने यहां कहा है, यहां पर उसने कहा है पुस्तक कीमत का केवल 80% था, इसलिए दोबारा उसने अपने पास बचे धन का, देखो अपने पास बचे 40% धन का भुगतान किया। इसका मतलब जो उसके पास धनराशि बची है उसका 40% उसने दिया है, तो उसे किताब भी मिल गई और 15 रुपए वापसी मिल गए, ये वाली चीज है। ठीक है, क्वेश्चन को हटा दो, क्वेश्चन को हटा दो। तो देखो अब देखो जो वाली लैंग्वेज है उसी के अनुसार क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व करूंगा यहां से आगे। तो उसने देखो क्या कहा है, उसने ये कहा है कि जैसे ही उसने अपने पास बचे धन का, तो राम के पास कितनी धनराशि बची 160, इसका उसने अब इस धनराशि का उसने 40% पे किया, तो 40% कितना हो जाएगा 10%, 16 हो जाएगा, 40% इसका 4 गुना, तो 40% वैल्यू हो जाएगी 64। जैसे ही उसने 64 पे किया तो ये बुक का प्राइस जो है ये चुक गया, उसके अलावा 15 रुपए उसे वापसी मिल गए। तो इसका मतलब उसको देने चाहिए थे बुक लेने के लिए 60, लेकिन दे दिए 64, इसका मतलब वापसी तो उसे मिलेगा, तो वापसी उसको कितना रेशियो मिलेगा 4, 4 रेशियो की वैल्यू उसने बराबर दी है 15 रुपए के। उसके बाद उसने पूछा है बताइए उसके पास कितनी धनराशि बची, तो उसके पास कितनी धनराशि बची 160 में से 60 रेशियो चुकाने के बाद इसमें से कितना रेशियो बचेगा, 100 रेशियो उसके पास बचेगा कि नहीं बचेगा, तो इसका मतलब एक रेशियो का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा 15/4। उसके पास कितना धन बचा उसके लिए 100 रेशियो का मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा 15/4 और मल्टीप्लाई 100, 100 को कैंसिल करेंगे 25 बार तो आंसर आ जाएगा 25 × 15, आंसर करेंगे तो हो जाएगा 25 × 15, 15 × 75 = 7, 15 × 2 = 7 और 37, इसका मतलब 375 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा भाई 375, उसने पूछा था उसके पास कितना धन बचा, तो यहां से आप पता कर सकते हैं उसके पास कितना धन बचा, यहां से 160
160 में से 60 और उसे चुकाने, उसके बाद धन जो बचेगा वो बचेगा ही बचेगा, तो उसके पास कितना बचेगा आप यहां से भी देख सकते हैं, 400 रुपए राम के पास है और बुक का मूल्य कितना है 300, तो बुक का मूल्य चुकाने के बाद उसके पास कितना रेशियो बचना चाहिए 100 रेशियो का मान ही तो निकालेंगे, तो 4 रेशियो का मान 15 है, 1 रेशियो का मान 15/4, और उसके पास कितना धन बचेगा बुक खरीदने के बाद जो बचेगा वो धनी बचेगा उसके पास, तो बुक कितने रुपए की है 300 रेशियो की, और राम के पास कितना रेशियो था 400, तो उसके पास 100 रेशियो बचना चाहिए, तो 100 रेशियो का मान मैंने निकाला तो आंसर आ गया 375 रुपए उसके पास भाई बचेंगे। ठीक है, देखो फोर्थ क्वेश्चन को, एक दुकानदार के पास 30 कार्टून पेंसिल के डिब्बे हैं, हर कार्टून में 240 पेंसिल के डिब्बे हैं, जिसमें कि हर डिब्बे में 30 पेंसिल हैं। अगर दुकानदार 30% कार्टून के 15% डिब्बे 10% पेंसिल को ही बेच पाता है तो बताइए दुकानदार ने कितने पेंसिल बेचे, ये बताना है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना भाई इस क्वेश्चन में, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार के पास 3 कार्टून पेंसिल के डिब्बे हैं, ठीक है, देखो बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, मैंने आपको परसेंटेज में सारी चीजें पहले बता दी हैं, 30 डिब्बे हैं उसके बाद 30 कार्टून हैं, कितने कार्टून हैं भाई 30 कार्टून, अब मैं बस क्वेश्चन को सॉल्व करता चलूंगा, उसके बाद हर कार्टून में कितनी पेंसिल हैं 240, 30 उसके पास, पहले मैं लिख लेता हूं क्या क्या है उसके पास, उसके पास कार्टून, वैसे तो यहां क्वेश्चन में लिखे ही है, ये लिखे हैं 30 उसके पास कार्टून है, मैं हाईलाइट कर देता हूं, 30 उसके पास कार्टून है, उसके अलावा हर कार्टून में 240 पेंसिल हैं, ठीक है, ये चीजें हाईलाइट करनी है, जिसमें कि हर डिब्बे में 30 पेंसिल हैं, ठीक है, ये वाली चीज है, 30 पेंसिल हैं, तो इसका मतलब उसके पास 30 कार्टून हैं, हर कार्टून में 240 डिब्बे हैं और 200 हर डिब्बे में 30 पेंसिल हैं, तो इसका मतलब 30 का मल्टीप्लाई अगर मैं 240 में कर दूं तो कुल पेंसिलों की संख्या आ जाएगी कार्टूनों में, और फिर उसमें भी 30 का मल्टीप्लाई कर दूं तो सारी पेंसिलें आ जाएंगी जो वहां पे हैं, ठीक है, लेकिन हमें वो नहीं करना, हमें यहां पर देखना है लास्ट में उसने पूछा क्या है, अगर दुकानदार सबसे पहले देखें कि दिया क्या है, और क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले देखें कि क्वेश्चन में दिया क्या है, फिर उसके बाद देखें क्वेश्चन में पूछा क्या है, अगर दुकानदार 30% कार्टून के 15% डिब्बे के 10% पेंसिल को ही बेच पाता है तो बताइए दुकानदार ने कुल कितनी पेंसिलें बेची, बस ये पूछा है, तो देखो कैसे करेंगे, तो वो 30% कार्टून ही बेच पाता है तो टोटल कार्टून उसके पास कितने हैं, तो टोटल कार्टून है 30, इस 30 में से 30% कार्टून बेच पाता है, इसका मतलब अगर मैं इसका 30% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 3/10, तो ये जो यहां से यहां तक का मान है मैंने जो 3/10 का मल्टीप्लाई करने पर, तो इसका मतलब बेचे हुए कार्टूनों की संख्या आ गई, इसने कितने कार्टून बेचे गए, ये बेचे गए कार्टूनों की संख्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बताओ, तो आप कहेंगे सर होनी चाहिए, बेचे गए कार्टूनों की संख्या हो गई, बेचे गए कार्टून आ गए, इसने इतने कार्टून सेल किए तो कार्टून कितने सेल किए 9, अब आगे चलते हैं, फिर उसके बाद के 15% डिब्बे, इसका मतलब 9 कार्टूनों में कितने डिब्बे होंगे, अगर मैं ये निकालूंगा तो एक कार्टून में 240 पेंसिल के डिब्बे हैं, मतलब एक कार्टून में 240 डिब्बे हैं, इसका मतलब 9 कार्टून इसने बेचे हैं, तो अगर मैं डिब्बों की संख्या निकालूंगा तो कार्टून में एक में 240 डिब्बे हैं, तो 9 कार्टूनों में टोटल डिब्बों की संख्या आ जाएगी ये, तो यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू है ये तो आपके समझ में आ गया बेचे गए कार्टूनों की संख्या, अब मैं इसको हटा देता हूं, अब यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक ये 240 का मैंने मल्टीप्लाई किया, ये वाली वैल्यू कौन सी आ जाएगी कि जो कार्टून बेचे हैं उनमें से एक कार्टून में 240 डिब्बे हैं, तो उन टोटल कार्टून में डिब्बे कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगी फिर बेचे गए डिब्बों की संख्या, बिल्कुल ध्यान से समझना, ये हो जाएगी बेचे गए डिब्बों की संख्या, कितने डिब्बे बिक गए ये वाली चीज निकल के आ जाएगी, डिब्बों की संख्या, बेचे गए डिब्बों की संख्या आ जाएगी यहां तक, सॉरी यहां तक आ जाएगी डिब्बों की संख्या जो बेचे गए हैं ये, तो उसने कहा है 15% डिब्बे बेचे,
30% कार्टून के 15% डिब्बे गए, तो इसका मतलब ये जो 240 है ना, ये डिब्बों की संख्या मतलब बेचे हुओं की नहीं आएगी बच्चे, ये जो है बेचे हुए डिब्बों की संख्या नहीं आएगी, ये आएगी कि जो 9 कार्टून इसने बेचे हैं उसमें डिब्बों की संख्या कितनी होगी, लेकिन उसमें भी मात्र 15% ही डिब्बे बिके हैं। इसका मतलब 15% ही डिब्बे बिके, इसका मतलब इन डिब्बों की संख्या का 15% सेल हुआ है, तो इसका मतलब इसका 15% कितना हो जाएगा, 3/22, तो ये बिके हुए डिब्बों की संख्या हो जाएगी यहां तक। उसके बाद उसने कहा है 10% पेंसिलें ही बिकी हैं, तो ये डिब्बों की संख्या हो गई, एक डिब्बे में कितनी पेंसिलें हैं, 30, तो 30 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पेंसिलों की संख्या बन जाएगी, उसका भी 10% पेंसिल सेल हुई है, मतलब पेंसिल बिकने वाली हो जाएंगी 1/10, तो ये जो है टोटल बिकी हुई पेंसिलों की संख्या आ जाएगी। तो देखो करेंगे कैलकुलेट, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से आपका 12 बार कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 9 और 12 नुमा कितने होते हैं, 108, और मल्टीप्लाई यहां पर कितना बचा, 9, तो इसका मतलब बेची हुई पेंसिलों की संख्या हो जाएगी 972। बस एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया। तो देखो 972 कौन से क्वेश्चन पे है, डी ऑप्शन पे, यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो देखो कहां से लेके कहां तक की वैल्यू क्या है, अब ये देखेंगे, 30 कार्टून है टोटल, उसमें से 30% कार्टून सेल हुए हैं, तो जैसे ही मैंने 3/10 का मल्टीप्लाई किया तो यहां से लेके यहां तक का जो मान है वो बेचे गए कार्टूनों का आ गया, बेचे गए कार्टूनों की संख्या आ गई, ठीक है। अब उस कार्टून में भी एक में 240 जो है डिब्बे हैं, तो 240 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेचने के लिए कितने डिब्बे हैं ये आ गई, उसमें से भी मात्र 15% सेल हुए हैं, तो 3/20, जैसे ही मैंने उसका 15% निकाला तो यहां तक जो मान है ये बेचे गए डिब्बों की संख्या आ गई, यहां तक आ गई कितने डिब्बे सेल हुए, उसके बाद एक डिब्बे में कितनी पेंसिल है, 30, तो जो डिब्बे बेचे गए उनमें पेंसिलों की संख्या आ गई, उनमें से भी 1/10 सेल हुई है बस, तो उसका भी 1/10 निकाल लेंगे, तो कितनी पेंसिलें सेल हो रही है, एक डिब्बे में 3, इसका ध्यान रखना है। तो आप चाहें तो इसको अलग अलग करके भी कर सकते हैं, पहले ये निकालना है कितने डिब्बे सेल हुए, पहले आप चाहें तो जैसे ये मैंने क्वेश्चन सीधा एक लाइन में खत्म कर दिया, उसके अलावा आप चाहें तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले लिख लें कि कार्टूनों की संख्या कितनी है, 30, ये कार्टून है, और पेंसिलों की संख्या कितनी है, 240, और डिब्बों की संख्या कितनी है, 240, ये तो आपके कार्टून है, के से बना लेता हूं, डिब्बे डी से बना लेता हूं, और पेंसिल कितनी है एक डिब्बे में, 30। अब बस यहां से देख लो 30% कार्टून सेल हो रहे हैं, तो इसका 30% 9 कार्टून सेल हो रहे हैं बस, और 10% मुझे कितनी, जो 15% जो है डिब्बे सेल हो रहे हैं, तो इसका 15% निकालेंगे 3/20, तो 10% कितना हो जाएगा 24, तो 15% कितना हो जाएगा 36, 36 जो है वो डिब्बे सेल हो रहे हैं, उसके अलावा पेंसिल 10%, तो पेंसिल कितनी हो रही है, 3, सबका मल्टीप्लाई कर दो बस आंसर आ जाएगा। तो देखो 9 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू आंसर हो जाएगा 972, तो बेची गई पेंसिलों की संख्या 972 आ जाएगी, जैसे आपका मन करे वैसे कर लो, पहले आप यहां से सीधा बेचे गए कार्टूनों की संख्या, बेचे गए डिब्बों की संख्या, बेची गई पेंसिलों की संख्या निकाल के सबका मल्टीप्लाई कर दो तो पेंसिलों की संख्या आ जाएगी जो सेल हुई है, या आप ऐसा कर सकते हैं सीधा यहां से करते जाओ कि टोटल कार्टून कितने हैं, 30, 30 में से 30% सेल हो रहे हैं 3/10, तो 9 सेल हो रहे हैं, ये निकल के आ गया, उसके बाद डिब्बों में परिवर्तित कर लो उसको, तो 240 का मल्टीप्लाई करके डिब्बे आ जाएंगे, फिर उनमें से 15% सेल हो रहे हैं तो 3/20 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद उसको पेंसिलों की संख्या में कन्वर्ट करने के लिए 30 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसमें से 1/10 सेल हो रही है, बस सेल आ जाएगी 972, ठीक है। तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन, पढ़ेंगे क्वेश्चन को, समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। 5वां क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, किसी कार के खाली ईंधन टैंक को टाइप ए के पेट्रोल से भरा गया, केवल पेट्रोल ए से भरा गया, जब टैंक का 1/3 भाग खाली था तब इसे टाइप बी के पेट्रोल से भर दिया गया, जब टैंक 70% खाली था तब इसे टाइप ए के पेट्रोल से भर दिया गया, और जब टैंक पुनः खाली हुआ कितना परसेंट, 62.5%। प्यारे विद्यार्थियों ये जो है 62.5% खाली हुआ है तीसरे वाले केस में, जब ये पुनः 62.5% खाली हुआ तब इसे टाइप बी के पेट्रोल से भर दिया गया, तब टैंक में टाइप ए के पेट्रोल का प्रतिशत ज्ञात करो कि टाइप ए जो है वो कितने परसेंट होगा। तो देखो पहले वाले केस में ए में भरा है कार में, पहले वाले केस में टाइप ए का पेट्रोल भरा है, फिर उसके बाद जब वो खाली हो गया तब इसमें बी का डाला है, फिर उसके बाद उसने जब वो खाली हो गया फिर इसमें ए का डाला है और फिर बी का डाला है, इस प्रकार से क्वेश्चन में पेट्रोल को बार बार जैसे जैसे
कार में पेट्रोल की खपत हुई है तो उसमें दो प्रकार का पेट्रोल डाला गया है, ए प्रकार का और बी प्रकार का। तो पहले कार में केवल ए प्रकार का पेट्रोल था। तो देखो पहले हम क्वेश्चन को इधर समझ लेते हैं फिर उसके बाद देखेंगे। तो पहले वाले ट्रांजेक्शन में समझेंगे, सबसे पहले पहले वाले किसी कार के खाली ईंधन टैंक को टाइप ए के पेट्रोल से भरा गया, इसका मतलब कार की प्रारंभिक स्टेज में। देखो भाई पांचवा क्वेश्चन यहां से सॉल्व क्वेश्चन करना मैं स्टार्ट करता हूं। पहली स्टेज में कार में और मात्र ए प्रकार का पेट्रोल है टोटल, ठीक है। बात को बिल्कुल ध्यान से समझना क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार। किसी कार के खाली ईंधन टैंक को टाइप ए के पेट्रोल से भरा गया, इसका मतलब कार की पेट्रोल टंकी खाली थी तो उसमें टाइप ए का पेट्रोल भर दिया गया, इसका मतलब कार में मात्र ए टाइप का पेट्रोल होगा। फिर उसके बाद कह रहा है जब टैंक का 1/3 भाग खाली था, इसका मतलब जब टैंक का 1/3 भाग खाली हो गया तो इसका मतलब अगर टोटल टैंक की कैपेसिटी 3 होगी तो उसमें से एक खाली हो जाएगा तो टैंक में बचेगा कितना, 2। तो यहां पर अब इस ट्रांजेक्शन की हमारे समझ में, मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन में जो वैल्यू कहता है वो ऊपर आती है, जिस वैल्यू का कहता है वो नीचे आता है। तो देखो यहां पर क्या कहा है, जब टैंक का 1/3 भाग खाली हो गया, इसका मतलब खाली कितना हो गया वो वैल्यू तो आएगी ऊपर, कितना टैंक खाली हो गया वो वैल्यू तो आएगी ऊपर, और टैंक में टोटल था कितना वो आएगी नीचे। तो टोटल क्या था, ए, पहले टैंक में ए तो भरा है भाई, कार पहले ए प्रकार के पेट्रोल से भरी गई है तो इसका मतलब टोटल टैंक की जो कैपेसिटी होगी उसमें ए प्रकार का ही तो पेट्रोल होगा, उसमें से 1 रेशियो को कार खा गई तो बचा कितना, 2 रेशियो। अब ये जो 2 रेशियो है, ये जो बचा है, ये किस प्रकार का पेट्रोल बचेगा, तो भाई जब कार में पूरा ए प्रकार का ही पेट्रोल था तो इसका मतलब ये जो 2 रेशियो बचेगा वो ए प्रकार का ही तो पेट्रोल बचेगा कार में, ठीक है, एक प्रकार का। तो एक प्रकार का इस 1/3 भाग कार में खाली हो जाने के बाद 2 रेशियो बचा। फिर उसके बाद जो खाली हुआ है इसे टाइप बी के पेट्रोल से भर दिया गया, इसका मतलब जो 1 रेशियो खाली हुआ है ये पेट्रोल को अब बी से भर दिया गया है, इसका मतलब अब कार में 2 तरह का पेट्रोल हो गया, 1 रेशियो बी हो गया और 2 रेशियो ए हो गया। इसका मतलब ए प्रकार का पेट्रोल कार में और रेशियो बी प्रकार का पेट्रोल, तो ए प्रकार का पेट्रोल तो होगा कार में 2 रेशियो और बी प्रकार का पेट्रोल होगा कार में 1 रेशियो, टोटल हो जाएगा कार की कैपेसिटी 3 रेशियो, ठीक है। तो ये हो गई टोटल कैपेसिटी। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी चीजें मैंने की हैं। तो अब कार में पहले वाले ट्रांजेक्शन के बाद कार में ए प्रकार का पेट्रोल 2 रेशियो है, बी प्रकार का पेट्रोल 1 रेशियो है और टोटल पेट्रोल जो है वो 3 रेशियो है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन में आगे। अब उसने क्या कहा है, अब क्वेश्चन में आगे क्या है, यहां से देखो, जब टैंक 70% खाली था तब इसे टाइप ए के पेट्रोल से भर दिया गया, इसका मतलब अब जब दोबारा कार को चलाया जाएगा तो 70% खाली हो जाएगा, फिर इसको ए प्रकार के पेट्रोल से भर दिया जाएगा। तो दूसरे ट्रांजेक्शन के बाद क्या होगा, अब ये देखते हैं, जरा क्वेश्चन को हटाइए। तो अब टैंक 70% खाली हो गया, अब टैंक 70% खाली हो गया और हमें यहां पर नीचे हमने टोटल चीज पता है। तो देखो दूसरे वाले ट्रांजेक्शन को यहां देखेंगे, तो दूसरे वाले ट्रांजेक्शन, तो ए और बी का जो रेशियो था प्यारे विद्यार्थियों और टोटल कैपेसिटी, वो ए जो था वो 2 रेशियो था, बी जो था वो 1 रेशियो था, टोटल कैपेसिटी हमारी हो गई थी 3। लेकिन अब उसने कहा है कि इसमें से 70% फिर से खाली हो गया, इसका मतलब उसे 70% निकालना है मुझे इसका। जब मुझे इसका 70% निकालना है तो 70% निकालने के लिए मैं अपना 2 जीरो बढ़ा लेता हूं जिससे कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा और रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई तो कर ही सकता हूं। तो टोटल कैपेसिटी 300 में से खाली कितना हो गया, तो 300 में से खाली कितना हो गया, एम्प्टी निकालेंगे तो 70% खाली हो गई टंकी, तो 70% कितना हो जाएगा इसका, 10% 3, 70% इसका 7 गुना, तो 70% टैंक जो है वो खाली हो गया है। तो 30 का 70% मान निकालेंगे तो 210 खाली हो गया और बाकी भरा होगा, तो 30% कितना हो गया, 90 लीटर अभी भी टैंक भरा है। तो इसका मतलब जो टैंक 90 लीटर भरा है इसमें कौन होगा, ए और बी, किस रेशियो में, 2:1 के अनुपात में। तो इसका मतलब ए और बी 2:1 के अनुपात में, तो जब ये 70% खपत हो गई है
उसके बाद ए और बी टैंक में कितना रह जाएगा और टैंक में कितना पेट्रोल रह जाएगा ये देखो। तो टैंक में 90 लीटर पेट्रोल रह जाएगा और उसमें ए और बी दो अनुपात एक के रेशियो में रह जाएंगे। तो 30:90, 1:30, तो 60 लीटर ए रह जाएगा, 30 लीटर बी रह जाएगा और टोटल कितना रह जाएगा 90। ये बचा हुआ है 210 लीटर पेट्रोल फुक जाने के बाद, जब कार ने 70% पेट्रोल को खा लिया है उसके बाद ये पेट्रोल बची। अब उसके बाद उसने कहा है कि जो टंकी खाली हुई है उस टंकी को यहां पर जैसे बी प्रकार से भरा गया था ऐसे यहां ए प्रकार के पेट्रोल से भर दिया गया है। इसका मतलब टंकी में जो 210 लीटर टंकी खाली हुई है वो ए प्रकार से भर दी जाएगी। तो ए प्रकार से 210 लीटर फिर से भर दिया जाएगा। तो इसका मतलब अब टंकी की कंडीशन क्या है, इसमें ए जो है वो 270 लीटर हो जाएगी, इसमें बी जो है वो बेटा 30:30 हो जाएगी और टोटल कैपेसिटी 300। अब यहां पर 0:0 में कैंसिल कर लेता हूं तो यहां पर रेशियो आ जाएगा हमारा 27:3 और कैपेसिटी हो जाएगी 30। चाहो तो मैं 300 मान के चल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ऐसे भी मान के चल सकता हूं आगे तक, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं, ये दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया। अब उसके बाद फिर से देखते हैं, क्वेश्चन को लगाइए जरा, टंकी तिवारा तीसरी बार में कितने परसेंट खाली हो रही है। यहां तक हो गया, भर दिया गया उसको ए से, भर दिया गया, मैंने ए से भर दिया। अब उसके बाद ये कह रहा है जब टैंक पुनः 62.5% खाली हो जाता है, खाली हो जाता है, तब उसे टाइप बी के पेट्रोल से भर दिया गया। क्वेश्चन को हटा दो, क्वेश्चन को हटा दो, खाली स्लाइड। तो दोबारा से अब देखो तीसरे केस में, ये दूसरा वाला केस था, तीसरे वाले केस में क्या हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो समझेंगे। ये पहले वाले केस में बिल्कुल ऐसे समझते जाओ, इसीलिए मैंने अलग अलग पेन से सारी चीजों को लिख दिया है। ये वाला हो गया आपका दूसरा वाला। अब तीसरे वाले केस में क्या हुआ है कि जो टोटल कैपेसिटी है इसमें से 62.5% खाली हो गया है, इसमें से 62.5% खाली हो गया, बचेगा कितना 37.5। देखो ये, तो इसमें से 62.5% खाली हो गया है तो बचेगा कितना 37.5%, यही तो बचेगा। तो अब 37.5 का फ्रैक्शन 3/8 होता है, ये 5/8 होता है। इसका मतलब इसमें 8 का मल्टीपल ले लो तो कैलकुलेशन को करना आसान होगा। तो इसमें मैं 8 का मल्टीप्लाई और कर लेता हूं, तो यहां से देखो 8 का मल्टीप्लाई और कर लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 ये हो जाएगा आपका 2400। मैं नया रेशियो बना रहा हूं 8 का मल्टीप्लाई करके, जिससे ये परसेंटेज निकालना मेरे लिए आसान हो, ठीक है। तो 8 का मल्टीप्लाई मैं इसमें कर दूंगा तो 2400 हो जाएगा भाई, ठीक है। और 8 का मल्टीप्लाई जब यहां करेंगे तो यहां भी करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 240। जब यहां करेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई फिर यहां भी करना पड़ेगा तो यहां कितना हो जाएगा आपका 0, 8 7 56, 6 5, 8 2 16 और 5 2160। देखो 2160 और 240 टोटल 2400 हो गया, 2200, 2300, 2400 हो गया, सही है। अब 62.5% कितना होता है 5/8, तो टैंक कितना खाली हो जाएगा 5/8, तो 8 3 24 कितना खाली हो जाएगा 1500, बचेगा कितना 3/8, तो 8 3 24 बचेगा कितना 900। जो बचा है इसमें ए और बी इसी रेशियो में होंगे, जिस रेशियो में है ए और बी इसी रेशियो में होंगे, मतलब 3/8 ही ए बचेगा और 3/8 ही बी बचेगा। हमें बचा हुआ निकालना है, बचा हुआ निकालेंगे तो 3/8 मतलब 37.5% निकालेंगे, और अगर हम खर्च हुआ निकालेंगे तो वो हमने निकाल ही लिया, 1500 लीटर खर्च हो गया है। तो 3/8 निकालो तो ए कितना बचा, तो देखो 8 2 16 यहां पे कितना बचेगा 5 और 8 7 56, तो 270 मल्टीप्लाई 3, तो 810 लीटर इसमें बचेगा ए, बाकी का 90 लीटर कौन बचेगा बी, ये निकल के आ गया। तो 810 लीटर ए बच रहा है, 810 लीटर ए बच रहा है, 90 लीटर बी बच रहा है। अब देखो इसको किस प्रकार के जो है पेट्रोल से भरा गया है, जो खाली हुआ है 1500 लीटर, तो इस 1500 रेशियो को अब बी प्रकार से भरा गया है। इसका मतलब अब फाइनल निकालेंगे ए और बी का रेशियो, तो ए तो होगा इसमें प्यारे विद्यार्थियों 810 और बी में 90 और 1500, तो बी हो जाएगा 1590। क्यों, क्योंकि बी जो है 90 तो ऑलरेडी है, उसमें 1500 ये इससे और भर दिया गया है, और टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, जितनी है उतनी कितनी हो जाएगी 2400। अब उसने पूछा बताइए इसमें ए कितना परसेंट होगा, तो ए कितना है 810 कितना का 2400 का, और मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज हमें निकालना है, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर लो। तो इसको कैंसिल करेंगे तो देखो ये कितने से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 405 बार, और 2 से ये 12 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 405/12, 12 3 36 बचा कितना है यहां पर 4 45, 12 3 36 बचा कितना है यहां पर आपका 9, और 12 यहां से आ गया
33 पॉइंट। तो देखो 12 चौक 36, 4 बचा 45, 12 चौक 36, फिर बचा 9 और 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, तो कितना बचा आपका? उसके बाद कितना बचा? तो यहां पर कितना बच रहा था आपका? 45 बच रहा था, 9 बच रहा था, 85 5 बचा और 12 चौक 48, 12 5, मतलब इतना परसेंट आएगा, 33.75% अप्रोक्स हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई, 33.75% अप्रोक्स हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था। इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार देखो, पहला वाला ट्रांजेक्शन मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, सारी बात समझ में आ जाएंगी। 1/3 टैंक खाली हो रहा था और पहले कार में मात्र ए प्रकार का पेट्रोल था, फिर उसके बाद 1/3 खाली हो गया तब भी भरा गया, इसका मतलब जो खाली हुआ है वो बी हो जाएगा एक, और जो बाकी बचा है वो ए हो जाएगा 2:1, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं जो 70% टैंक फिर से खाली हो गया, तो 70% निकालना था तो मैंने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जिससे 70% आसानी से निकल के आ जाए, तो 300 टोटल टंकी में से 70% खाली होगी, तो खाली कितना हो गया 210, बचा कितना 90, तो 90 में ए कितना बचेगा 60 लीटर, बी कितना बचेगा 30 लीटर, टोटल कितना बचेगा 90। फिर इसमें जो खाली हुआ है 210 वो कौन सा भरा जा रहा है? ए प्रकार का, तो इसका मतलब ए प्रकार का पेट्रोल कितना हो जाएगा 210 + 8 = 270, ये 30 रहेगा, टोटल हो जाएगा आपका जो है वो 90, वो 300 हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे 62.5% और 37.5% निकालना था, इसका फ्रैक्शन होता है 5/8, इसका होता है 3/8, तो मैंने 8 का मल्टीप्लाई और कर लिया, जैसे ये ए जो है 2160 हो गया, बी 240 ही हो गया। फिर उसके बाद 3/8 खाली हो रहा है तो 62.5% खाली हो रहा है तो 1500 तो खाली हो जाएगा, 900 बचेगा, 900 में ए बचेगा 810, बी बचेगा 90 और बाद में बी भरा जा रहा है 1500, तो 1500 बी ये भरा जा रहा है, 90 ऑलरेडी था, तो बी कितना हो जाएगा 1590 और ए कितना हो जाएगा 810। ये पूछा है बताइए टैंक में ए कितना परसेंट है, तो 810 ए है कितना ये देखेंगे, टोटल कितना है वो नीचे मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 33.75%। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल क्लियर है, चलते हैं आगे। तीन एक समान क्रमागत वृद्धि होने पर एक इतने रुपए बढ़कर इतने रुपए हो जाते हैं, तो परसेंटेज वृद्धि याद करो, बहुत आसान है भाई। तीन क्रमागत वृद्धि सक्सेसिव इंक्रीज के लिए क्या बताया था मैंने? सक्सेसिव इंक्रीज के लिए मैंने आपको बताया था इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल बताया था कि नहीं बताया था? बताया है, पुरानी वाली क्लास देखिए समझ में आ जाएगा। तो प्रारंभ में कितने रुपए थे? 205.8 और बाद में कितने हो गए? 307.2, यही तो हो गए। अब यहां से निकाल लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 4 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, कितने से कैंसिल होगा? तो देखो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से नहीं कैंसिल हो रहा, ये जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 से ये हो जाएगा 1029 और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से एक बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 2 3 6, ये हो जाएगा 1536। उसके बाद देखो कितने से कैंसिल हो रहा है, 9 2 11 8 12, इसका मतलब 3 से और कटेगा भाई, ये 3 से ये कटेगा, 3 3 का 9 3 बार कटेगा, 1 बचेगा, 3 6 12 343, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 15 ये 500 बार है। उसके बाद कितने सक्सेसिव इंक्रीज हो रहे हैं, तो सक्सेसिव इंक्रीज कितने हो रहे हैं भाई? तो सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है 3, तीन हो रहे हैं, इसका मतलब एक वैल्यू का 3 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा, इसका मतलब हमें इससे पीछे आना है तो घन रूट लेना पड़ेगा, तो घन रूट 343 का कितना होता है 7, 500 का कितना होता है 8, इसका मतलब 7 से 8 हो गया उस परिवर्तन की वजह से, तो वृद्धि हुई कितने परसेंट की? कितने की वृद्धि हुई? 1 की, कितने पर? 7 पर, मल्टीप्लाई 100, इसका मतलब कितना हो गया 14/2/7% होगा वो चेंज, तो 14/2/7% कितना हो गया ये। अब आप कहेंगे सर ये घन रूट क्यों लिया, ऐसे ही यहां पर अगर 2 क्रमागत वृद्धि होती तो मैं फिर यहां पर रूट लेता, अगर 4 क्रमागत वृद्धि होती तो फोर्थ रूट लेता, वो क्यों लेता? यहां से समझने वाली बात यह है कि ये क्यों किया सर आपने, वो इसलिए किया कि जब ये बताइए कि जब आपको ये 14/2/7% उल्टे चलिए, ये वृद्धि का मैं कहता कि एक संख्या को 14/2/7% से बढ़ाया गया तो 3 बार एक वृद्धि की गई, तो बताइए कितने से कितनी होगी संख्या, तो कैसे निकालते आप 14/2/7% वृद्धि का फ्रैक्शन बना दे 7/8 और उसका कितने बार मल्टीप्लाई करते 3 बार करते, तो इसका मतलब क्यूब करते कि नहीं करते, तो अब हमें क्या है ये चीज दी है और इससे पीछे जाना है, तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा क्यूब रूट, तभी तो पीछे वाली वैल्यू निकल के आएगी, इसलिए क्यूब रूट लगाते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, देखेंगे कुल सेवाओं का, ये मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है जो परसेंटेज से पूछे जा सकते हैं। तो देखो 7th क्वेश्चन में क्या कहा है, एक विक्रेता कुल सेवाओं का 60% भाग बेचता है तथा बचे हुए भाग का 15% फेंक देता है, अगले दिन वह बचे हुए भाग का 50% हिस्सा बेचता है तथा शेष सेवाओं को फेंक देता है, विक्रेता द्वारा फेंकी गई सेवाओं की संख्या याद करो, कुछ नहीं है, 100 मान लो सेवाओं की संख्या, 500 मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो, तो देखो 60% भाग बेचता है, मैं तो 100 मान लेता हूं, यहां पर सारे परसेंटेज परफेक्ट में है तो मैं 100 मान लेता हूं, 60% भाग बेच देता है तो 100 में से 60 सेल कर देगा तो बचेंगे कितने 40, फिर उसके बाद
15% भाग फेंक देता है, तो 40 का 15% कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 10% 4 हो जाएगा, 5% 2 हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो 6 ये फेंक देगा तो इसमें से कितने बचेंगे, तो 40 में से 6 ये फेंक देगा तो इसके पास फिर बचेंगे कितने 34। अगले दिन वो बचे हुए भाग का 50% हिस्सा भेज देता है, तो 34 में से आधे हिस्से भेज देगा 17, तो बचेंगे कितने इसके पास 17। फिर उसके बाद क्या कहता है, शेष सेवों को फेंक देता है, इसका मतलब 17 सेव ये फेंके, 6 इसने ये फेंके, टोटल सेव इसने कितने फेंक दिए, तो टोटल सेव 17 और 6 23 फेंक दिए। और उसने पूछा है सेवों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, विक्रय द्वारा फेंके गए सेवों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब ऊपर हमने 100 माना है तो 23 को 100 पर कैलकुलेट करेंगे, तो 23% ही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सभी ऑप्शन में बेटा परसेंटेज लगा लेना, क्योंकि आंसर हमसे इसने परसेंटेज में ही पूछा है, और हम परसेंटेज में ही बता सकते हैं, परफेक्ट में मान नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी वैल्यू हमें परफेक्ट में नहीं दी है, केवल परसेंटेज में आंसर बता सकते हैं, तो 23% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप इस 100 की जगह 200 मान लो, 300 मान लो, जो मानो आपका मन करे वो मान लो, बस क्वेश्चन को कैलकुलेशन को आप करते चलिए और डायरेक्ट करिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है अभी आप ऐसे ही निकाल रहे हो 100 का 60% 60/100, ये नहीं करना आप चाहिए भाई। अब परसेंटेज का इतना पढ़ा दिया, अब तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो प्यारे विद्यार्थी, आज की क्लास का आठवां क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे, करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये परसेंटेज के। 8th क्वेश्चन को करेंगे भाई, 8th क्वेश्चन को करेंगे और इसको करने की आप कोशिश करेंगे। देखो, प्रत्येक दिन एक आम विक्रेता अपने स्टॉक का आधा हिस्सा बेचता है, राशि में स्टॉक का 10% भाग खराब हो जाता है, यदि 3 रात्रियों में कुल इतने आम खराब हो जाते हैं तो बताइए आरंभ में कितने आम थे। देखो ऐसे क्वेश्चनों को, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, जिससे कैलकुलेशन कम से कम हो, क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो जाए, उसके लिए पहले तो ये देखो कि इसमें कितने बार, तो देखो 10% तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, इसका मतलब हमें ऐसा वैल्यू माननी है टोटल आमों की संख्या, हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार 100 ही माने, टोटल मैंगोज की संख्या इस प्रकार से माननी है ताकि वैल्यू जो है वो पॉइंट में ना आए, परफेक्ट में आए। तो देखो 10% के लिए तो 0 चाहिए, इसका मतलब 10% के लिए मैं 0 ले लूंगा, उसके अलावा अपने स्टॉक का आधा हिस्सा बेचता है, 3 रात्रियों की बात कर रहा है, इसका मतलब 3 बार तो हमें 10% निकालना पड़ेगा, तो इसका मतलब जो वैल्यू हम टोटल मैंगोज की संख्या की मान रहे हैं उसमें 3 तो 0 अगर हम कर लें तो कैलकुलेशन को करना आसान होगा, उसके अलावा हर बार आधा हो रहा है इसका मतलब 3 बार आधा होगा, तो इसका मतलब 2 का मतलब ऐसी वैल्यू निकालें जिसका 3 बार आधा करने पर पॉइंट ना आए, तो इसका मतलब 2 के मल्टीपल मानने पड़ेंगे, तो 2 के 3 मल्टीपल में 8 मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं टोटल मैंगोज की संख्या 8000 है, ठीक है। अब इसमें पॉइंट नहीं आएगा, अब उसके बाद जैसे कह रहा वैसे करते चलेंगे। प्रत्येक दिन एक आम विक्रेता अपने स्टॉक का आधा हिस्सा बेचता है, ठीक है, तो देखो 8000 में से आधे बेच देगा तो आधे कितने हो जाएंगे 4000, 4000 सेल कर देगा तो उसके पास बचेंगे कितने, उसके पास बचेंगे 4000, इसमें से 10% भाग खराब हो जाता है, तो खराब में इधर लिखता चलाऊं तो 4000 का 10% खराब हो जाएंगे, तो खराब कितने हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों 400, तो 400 4000 में से खराब हो जाएंगे, 400 4000 में से खराब हो जाएंगे, तो इसका मतलब अब इसके पास कितने बचेंगे, तो अब आप कहेंगे 3600, ठीक है, फिर 36 में से आधे ये सेल कर देगा, तो 3600 में से आधे सेल कर देगा तो कितने सेल कर देगा 1800, 1800 सेल कर देगा तो फिर कितने बचेंगे, ये दूसरी रात्रि की कहानी चल रही है, पहली रात्रि की कहानी यहां खत्म हो गई, पहली रात्रि के बाद खराब होने के बाद इसके पास ये सेल बचे 3600, फिर दूसरी रात दूसरे दिन में इसने 1800 बेच दिए, रात्रि के लिए रखने के लिए 1800 बचे, फिर इनमें से 10% खराब हो जाएंगे भाई, फिर इनमें से 10% खराब हो जाएंगे, तो कितने सेव खराब हो जाएंगे 180 सेव इनमें से खराब हो जाएंगे, फिर इसके बाद कितने बचे, फिर ये निकालेंगे, तो 1800 में से 100 गया तो 1700, 80 गया तो फिर इसके पास बचेंगे 1620, फिर 1620 में से दिन में ये आधे बेच देगा, तो 1620 में से आधे बेचेगा तो कितने बेच देगा 810, फिर इसके पास कितने बचेंगे आधे 810, इन 810 में से 10% फिर खराब हो जाएंगे, तो कितने खराब हो जाएंगे 81, तो तीनों रातों में खराब सेब खराब आम निकल के आ गए, पहली रात में कितने आम खराब हुए 400, दूसरी रात में कितने आम खराब हुए 180, और तीसरी रात में कितने आम खराब हुए 81, इसका मतलब टोटल आम कितने रेशियो खराब हुए, तो 400 और 180 580, 580 और 81, 580 में इसमें से 20 जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा, 661 रेशियो का मान उसने बराबर दिया है 1983 के,
एक रेशियो का मान निकालेंगे भाई, तो देखो इससे ये तीन बार कैंसिल हो जाएगा, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी तीन। टोटल आमों की संख्या के लिए शुरुआत में कितने थे, 8000 रेशियो का मान निकालेंगे, तो 8000 मल्टीप्लाई तीन आरती 24000 आम आ जाएंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 24000। बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बस इसमें मेन रोल क्या प्ले करता है, मेन रोल ये, अगर आप मैंगोज की संख्या ऐसी मान लेंगे, माने चलो 1000 मान ली, तो फिर आधा निकालेंगे तो उसमें फिर पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट को कैलकुलेट करना हमारे लिए टफ हो जाता है, इसलिए पॉइंट को और बटे को हटाना है। और पॉइंट और बटे को हटाने का तरीका क्या है, ऐसा मान लें जो उससे कट जाए। तो इसमें ये आधा बोल रहा था और तीन रात्रि की बात कर रहा था, तो मैंने आठ तो इसलिए लिया कि आठ का तीन बार आधा आसानी से निकल के आ जाएगा, और तीन जीरो क्यों ली, क्योंकि तीन बार 10% निकालना पड़ेगा, तो जीरो में 10% निकालना आसान होता है क्योंकि नीचे 10 आता है, इसलिए मैंने ये 8000 मान लिया और हमारा आंसर बड़ी आसानी से हो गया 24000। ठीक है, देखेंगे बेलन का आयतन 43% बढ़ा दिया जाता है जबकि इसकी ऊंचाई को, तो नाइन्थ क्वेश्चन देखो बेटा, नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे समझेंगे करने की कोशिश करेंगे। देखो एक बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है जबकि इसकी ऊंचाई को 15 × 5/13% है, ये 15 × 5/13% कम किया जाता है, तो बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करें। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 2πRh, पीछे बता चुका हूं 2π से कोई मतलब नहीं है, ओनली R और H को देखना है। ऊंचाई को इसने क्या है, आयतन इतने परसेंट बढ़ जाता है, बेलन का वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 43%, जबकि उसकी ऊंचाई इतने परसेंट से कम हो जाती है, तो बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो। देखो आयतन क्या होता है बेलन का, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। उसने हमसे क्या पूछा है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन मतलब आर एच बताना है, इसका मतलब आयतन का जो परिवर्तन है, अगर मैं V1 रेशियो V2 निकाल लूं इससे, आयतन में जो परिवर्तन हुआ है, तो आयतन 43% बढ़ गया है, इसका मतलब पहले अगर आयतन 100 होगा तो अब आयतन कितना हो जाएगा 143। ठीक है, उसके बाद ऊंचाई इतने परसेंट से कम हो गई है, कितने 15 × 5/13, ऊंचाई 15 × 5/13% से कम हो रही है। तो देखो ये फ्रैक्शन का परसेंटेज कैसे बनाएंगे, 1/13 का आपको पता है, 1/13 का कितना होता है, तो 13 × 7 = 7 / 9/13% होता है 1/13, 1/13, लेकिन ये फ्रैक्शन है आपका 15 × 5/13, तो 15 × 5/13 का सबसे पहले आप फ्रैक्शन वैल्यू बनाए कि इसका फ्रैक्शन मान क्या होता है। तो देखो 15 × 45, 5, 4 और 15 और 4, 195 और 5 कितना हो गया 200/13, और मल्टीप्लाई 100, 100, तो ये हो गया 2/13, क्योंकि यहां पर आप देखो 2 का अगर मैं दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2/13, और ये हो जाएगा 7 × 14 और 18/13। ठीक है, अब इसमें 13 से एक बार और चला जाएगा, तो 15 × 5/13, 15 × 5/13 हमारा हो जाएगा 2/13। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया। तो हाइट का रेशियो यहां से बना सकते हैं, तो 15 × 5/13% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/13, कम की बात कर रहा है तो माइनस करके फ्रैक्शन बनेगा 11/13, इसका मतलब पहले जो ऊंचाई 13 थी वो 11 हो जाएगी, तो H1 ratio H2 बराबर हो जाएगा 13:11। ठीक है, अब देखिए ये वॉल्यूम है तो R²H है, ठीक है, और ये जो है आपकी ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई है और हमें पूछा है इसने वक्रपृष्ठीय क्षेत्र में RH, तो अगर मैं ऊंचाई से इसको डिवाइड कर दूं तो R² का रेशियो आ जाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए भाई। देखो आयतन को अगर ऊंचाई से भाग दे दिया जाए तो R² का रेशियो आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए, तो देखो इससे इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा R1² और रेशियो R2², तो R1² रेशियो R2² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/13 रेशियो 143/11, तो 11 से 13 बार कैंसिल हो जाएगा, 13 इधर चला जाएगा, 13 का मल्टीप्लाई इधर उधर, तो ये हो जाएगा 100 × 169। तो R1 ratio R2 यहां से निकालेंगे तो R1 ratio R2 बराबर हो जाएगा 10 ratio 13, क्यों, क्योंकि 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है, 13 क्योंकि स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये वैल्यूज किस में आ जाएंगी भाई, रूट में आ जाएंगे, तो 100 का रूट कितना होगा 10 और 169, सॉरी ये 169 होगा प्यारे विद्यार्थियों, 13 का स्क्वायर 169 होता है,
13 मल्टीप्लाई 13 169 होता है, तो ये 13 हो जाएगा, तो ये रेडियस में चेंज आ गया। अब उसने हमसे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में पूछा है, तो रेडियस का हमें पता ही है और हाइट का हमने पहले ये निकाल लिया है, और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आर एच, तो आर इंटू एच कर दो भाई, तो आर इंटू एच करो, तो आर इंटू एच करेंगे तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन आ जाएगा, तो आर इंटू एच कितना हो जाएगा, तो देखो एच में परिवर्तन है 13 से 11, इधर ही कर देता हूं, आर में परिवर्तन है 10 से 13, दोनों लाइनों में कॉमन कट जाएगा, तो इसका मतलब 10 से 11, तो 10 से 11 में एक की वृद्धि 10 पर और मल्टीप्लाई 100, तो इसका मतलब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि हो जाएगी। 10% कौन सी ऑप्शन पे, सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में पीछे बता चुका हूं, इसमें देखो बेलन का आयतन का भी यूज करवा लिया उसने, हाइट का भी यूज करवा लिया, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिज्या, सब आपके पॉइंट क्लियर होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, करने की कोशिश करेंगे। एक गांव में 22% परिवार के पास कृषि योग्य भूमि है, 18% परिवार के पास मोबाइल है तथा 1600 परिवार के पास दोनों है। इसका मोबाइल, इसका मतलब ये है कि 22% परिवार के साथ कृषि योग्य भूमि है, मतलब जमीन है, ठीक है, और 18% के पास मोबाइल है, तो इसका मतलब दो वेन डायग्राम बनाने पड़ेंगे भाई, ये वेन डायग्राम पर रिलेटेड क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन वेन डायग्राम पर रिलेटेड है। एक वेन डायग्राम भूमि का बनेगा और एक दूसरा वेन डायग्राम मोबाइल का बनेगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन पे भूमि भी होगी और मोबाइल भी होगा, वो यहां आएंगे। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया आपका मोबाइल के लिए एम बना लिया, और ये मैंने बना लिया आपका भूमि के लिए, इसको बीएच लिख लिया। तो 22% परिवार के पास कृषि योग्य भूमि है, इसका मतलब भूमि वाले कितने हो गए, 22%। ये मैं आपको बहुत डीपली बता चुका हूं क्लास में, अब ये मिसलिनियस में भी ये क्वेश्चन आ गया है, इसलिए इसको करा रहा हूं। 18% मोबाइल, तो 18% ही हो गए। ठीक है, उसके बाद 1600 परिवार के पास कृषि योग्य भूमि और मोबाइल दोनों है, मतलब ये जो रेशियो है इसका मान जो है, इस वाले भाग का मान जो है वो 1600 है। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना क्वेश्चन को। अब उसके बाद उसने कहा है यदि 68% परिवार के पास न तो कृषि योग्य भूमि है और ना ही मोबाइल है, इसका मतलब 68% कहां आएंगे भाई, बाहर आएंगे, बाहर आएंगे। इसका मतलब टोटल 100% में से अगर मैं 68% को घटा दूं तो बाकी के जो बचेंगे 32% वो ऐसे होंगे जिनके पास कुछ न कुछ अवश्य होगा, या तो मोबाइल या भूमि या दोनों। तो इसका मतलब ये यूनियन हो गया, तो यूनियन की वैल्यू कितनी होगी, तो यूनियन कितना हो गया भाई 32%। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़कर 32 यूनियन को घटा दूं, मतलब इस 22% को लूंगा, तो इस 22% में ये वाला भाग आ जाएगा, फॉर्मूला मत रटो बस समझो, ये वाला भाग आ जाएगा और ये वाला भाग आ जाएगा, और जब मैं इस 18% को लूंगा तो ये वाला भाग आ जाएगा, ये वाला भाग आ जाएगा। एक और बार, इसका मतलब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा 22% और प्लस 18%, तो ये कितना हो जाएगा 40%। तो ये 40% मान में क्या क्या हो जाएगा, ये वाला एक बार हो जाएगा, ये वाला और ये वाला भाग दो बार हो जाएगा। इसका मतलब इसमें से अगर मैं यूनियन 32 को घटा दूं, तो 32 में क्या है, 32 में ये वाला भाग एक बार है, ये वाला भाग एक बार है और ये भी एक बार है, तो इसमें ये वाला भाग एक बार है, ये वाला भाग एक बार है और ये वाला भाग दो बार है। इसका मतलब इसमें से अगर मैं इसको घटा दूं तो ये कॉमन भाग आ जाएगा, तो 40 में से 32 को माइनस करेंगे तो कॉमन भाग आ जाएगा 8%, तो ये आ जाएगा आपका 8%। 8% का मान 1600 है, तो ज्ञात करो गांव में कुल कितने परिवार हैं, ये हमसे पूछा है। तो 8% का मान कितना है भाई 1600, तो 1% का मान कितना हो गया 200, और टोटल परिवारों के लिए 100 का मान तो कितने हो जाएंगे 20,000, तो टोटल परिवार कितने हो जाएंगे भाई 20,000, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 11th क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे, करने की कोशिश करेंगे। राजू की फैक्ट्री में उत्पादन प्रतिवर्ष निश्चित दर से बढ़ रहा है, ठीक है, तो 11 करोड़ 2 वर्ष बाद 2 गुना हो जाता है, ये इसने कहा है 2 वर्ष बाद 2 गुना हो जाता है। राजू की फैक्ट्री में उत्पादन प्रतिवर्ष निश्चित दर से बढ़ता है, दर ज्ञात करो यदि उत्पादन 2 वर्ष बाद 2 गुना हो जाता है। तो देखो उत्पादन 2 गुना हो जाता है, वही इनिशियल और फाइनल, इनिशियल वैल्यू कितनी है, फाइनल वैल्यू कितनी है, तो उत्पादन 2 गुना हो जाता है। तो इनिशियल वैल्यू अगर मैं 1 मान लूं तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यही हो जाएगा। लेकिन हमें कहां जाना है, हमें पीछे जाना है, क्योंकि उसने हमसे पूछा है प्रति वर्ष निश्चित दर ज्ञात करिए। तो इसका मतलब 2 वर्ष की अगर बात करेगा तो रूट ले लेंगे, अभी पीछे बताया है, 3 वर्ष की बात करेगा तो घन रूट ले लेंगे, 4 वर्ष की बात करेगा तो फोर्थ रूट ले लेंगे, तो 1 बार आ जाएगा और यहां कितना हो जाएगा रूट 2। तो इसका मतलब उसने कहा है परसेंटेज परिवर्तन, तो बताइए 1 से √2 हो जाता है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस, मतलब कितने की वृद्धि हुई ये निकालेंगे, तो √2 - 1 / कितने पर 1 पर मल्टीप्लाई 100, इसका मतलब कितना परसेंट हो जाएगा
100 अंडर रूट 2 माइनस 1%, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो सी ऑप्शन पे है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी पीछे मैंने आपको बताया है, ठीक है, परसेंटेज के। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे क्वेश्चनों में भी फंस जाते हैं, इसलिए इनको मुझे कराना पड़ रहा है। देखो, पानी जब बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन 9% बढ़ जाता है। यदि बर्फ पानी में बदलता तो आयतन में होने वाली परसेंटेज कमी ज्ञात करो। कुछ नहीं है भाई, 9% बढ़ जाता है, तो 9% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/100 हो जाएगी, तो इतना बढ़ जाता है। तो ये ऊपर वाला जो 9, वैसे चलो मैं आपको कंसेप्ट से बता देता हूं, ऐसे आपको वैसे मैंने ये बताया है, वैसे भी बताया है, लेकिन यहां पर कंसेप्ट से बता देता हूं। उसने कहा है कि पानी जब बर्फ बनता है तो इसका मतलब वाटर है और आपकी आइस है। तो पानी जब बर्फ बनता है तो उसका आयतन 9% से बढ़ जाता है। तो 9% मतलब अगर पानी 100:100 है तो 9% बढ़कर आयस कितनी हो जाएगी, 109। कह रहा है यदि बर्फ पानी में बदलता है तो आयतन में परसेंटेज कमी बताइए। तो अब बर्फ को पानी बनाना है, तो बर्फ 109 से पानी बनेगी तो 100 रह जाएगी, तो इसका मतलब कितने की कमी आएगी, 9 की। कितने पर आएगी, 109 पर मल्टीप्लाई 100। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 900/109। चाहे तो आप इसको और आगे कर सकते हैं, तो 900/109%, तो 9 से कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 सही तो कितनी बार जाएगा, 872। 72 को घटाएंगे तो 28 बचेगा, 8 सही 28/109% हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं इसको जब अभी जो बता रहा था ऊपर शॉर्टकट कैसे बता रहा था, 9% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/100, वृद्धि की बात करा, प्लस ऊपर वाले 9 को एज इट इज, 100 और 9 को ऐड करके 109 मल्टीप्लाई 100। यही तो करते हैं हम, जैसे ए की आय बी की आय से इतने परसेंट अधिक है तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी, बस उसी टाइप पे आधारित है। पानी जब बर्फ में बदलता है तो 9% बढ़ जाता है, तो बताइए बर्फ को पानी, मतलब रिवर्स पूछा है, तो रिवर्स में चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे करो, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। टेलीफोन से अपने पास की हार्डवेयर की दुकान से एक लंबाई की निश्चित लंबाई की रस्सी जो है उसका ऑर्डर दिया, ठीक है। लेकिन जब एक मजदूर दुकान पर रस्सी लेने गया तो उसने पाया कि दुकानदार ने ऑर्डर गलत लिख दिया, जिसमें उसकी फीट और इंच को आपस में बदल दिया, तो परिणाम स्वरूप उसे ऑर्डर हुई रस्सी का केवल 30% ही रस्सी मिली। तो ज्ञात करो ऑर्डर की गई रस्सी की लंबाई इनमें से किसके बीच होगी। ठीक है, अगर इसने रस्सी की लंबाई पूछी होती तो हम इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते थे, लेकिन इसने रस्सी की लंबाई यहां ऑप्शन में नहीं दी, इसने कहा है किस किस के बीच में है, इन ऑप्शनों में से किसी दो के बीच में है। तो देखो, पहले तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए, यहां पर फीट और इंच की बात कर रहा है, तो एक फीट में आपके 12 इंच होते हैं, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक फीट में 12 इंच होते हैं, इसका मतलब ये है कि फीट का अगर मैं इंच से रेशियो निकालूं, एक फीट का और एक इंच से रेशियो निकालूं, तो वो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर फीट का रेशियो होगा 12 और इंच का रेशियो होगा 1। ठीक है, मतलब एक इंच में 12 फीट होंगे, इसका मतलब यही तो हो गया। अब मान लो कि रस्सी की लंबाई x फीट थी और y इंच थी, ठीक है, तो इसका मतलब x फीट, तो इसका मतलब अगर मैं 12 का मल्टीप्लाई फीट में कर दूं तो इंच में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो इसका मतलब एक्चुअल लंबाई में मान लेता हूं कि 12x+y थी, जहां पर जो x है ये जो है मैं मान लेता हूं कि उसकी जो एक्चुअल लंबाई थी वो 12x+y थी, जहां पर x जो है वो आपका फीट है, तो इसको इंच में बनाएंगे तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो है आपका इंच है, मैंने एक्चुअल लंबाई मान ली, तो उसने बाद में कितनी दी है, रिवर्स कर दिया, मतलब उसने उसको 12y+x लंबाई की रस्सी दे दी। उसके बाद उसने कहा है कि देखो केवल 30% ही रस्सी उसको मिली, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, इसका मतलब अगर रस्सी उसको 10 मिलनी चाहिए थी तो उसे मात्र कितनी मिली, 3, तो इसका मतलब रस्सी उसे 10 मिलनी नहीं चाहिए थी, तो हमने 12x+y माना है, तो 10/3 ये उसको मिली। बस यहां से x और y का रेशियो निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन को हटाइए जरा, 12×36x +3y की वैल्यू बराबर हो जाएगी 120y और +10x, ठीक है, तो यहां से देखो x को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 26x और 3 को उधर लेके जाएंगे तो 117y, 13 से 9 बार 13 से 2 बार, तो x=y आ जाएगा आपका 9:2, 9 और 2 x और y का मान आ गया। इसका मतलब x को क्या माना है हमने, फीट, तो इसका मतलब रस्सी की लंबाई आ जाएगी 9 फीट और 2 इंच, ये आ जाएगी। तो अब देख लो कौन सी ऑप्शन में 9 फीट और 2 इंच बीच में आ जाएगा, दर्रा लगाना, क्वेश्चन लगाना, 9 फीट और 2 इंच, तो
तो 9 फीट एंड 10 बाई 10.5 फीट, इन दोनों के बीच में होगी रस्सी की लंबाई। सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने रस्सी की लंबाई को 12x + y लेट कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि x को मैंने फीट माना है, y को इंच माना है। तो फीट को जब इंच बनाएंगे तो 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मैंने मान लिया कि रस्सी जो है 12x + y इंच की है। फिर उसके बाद उसने दी कितने इंच की है, तो ये उसने रिवर्स कर दिया, मतलब इंच को तो फीट बना दिया है, तो y का मल्टीप्लाई करेंगे फिर, और जो x है उसको इंच बना दिया है बस। फिर उसके बाद 30% रस्सी मिल रही है उसको, मतलब 10 में से 3 मिल रही है, तो 10/3 के बराबर कर दिया, आंसर आ गया। 60 छात्रों की एक कक्षा में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं प्यारे विद्यार्थियों? 60। तीन परीक्षाएं गणित अंग्रेजी, गणित अंग्रेजी और तर्क शक्ति में भाग लिया, तीनों परीक्षाओं में। तो तीन परीक्षाएं, तो तीन वेन डायग्राम बनानी पड़ेंगे भाई। तीन परीक्षा में सफल छात्रों की संख्या दी है 30, 45 और 40। यदि एक भी छात्र तीनों परीक्षाओं में फेल नहीं हुआ, इसका मतलब सारे के सारे पास हुए हैं, और कम से कम एक परीक्षा में सफल छात्रों की संख्या कम से कम दो परीक्षाओं में सफल छात्रों की तुलना में 33 से 1/3% ज्यादा है, तो तीनों विषयों की परीक्षा में सफल हुए छात्रों की संख्या बताओ भाई। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो, देखते हैं आप कितना फास्ट कर सकते हो। करने की कोशिश करो, फिर मैं तो बता ही दूंगा। तो देखो टोटल छात्र, मैं पहले डाटा लिख लेता हूं फिर क्वेश्चन को हटा देंगे। टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई? 60। इंडिविजुअली कितना कितना दे रहा है? 30, 45, 40। तीन सब्जेक्ट हैं, कौन सा है? मैथ्स है, गणित है, इंग्लिश है और रीजनिंग है, ठीक है, ये इंडिविजुअली दी है। उसके अलावा उसके बाद उसने कुछ कंडीशन दी है, उसने कहा यदि एक भी छात्र तीनों परीक्षाओं में एक साथ फेल नहीं हुआ, एक कंडीशन तो ये, इसका मतलब रेक्टेंगल में बाहर वाली जगह पे कुछ नहीं आएगा, ये आपको मैं समझा चुका हूं। और कम से कम एक परीक्षा में सफल हुए छात्रों की संख्या कम से कम दो परीक्षा में सफल हुए छात्रों की संख्या से 33.33% अधिक है। उसके अलावा एक और कंडीशन दी है कि तीनों परीक्षाओं में सफल छात्रों की संख्या दी है। उसके अलावा उसने ये किया है कि प्रत्येक छात्र ने तीनों परीक्षाओं में भाग लिया, इसका मतलब कोई भी छात्र ऐसा नहीं है जिसने परीक्षा में भाग ना लिया हो। तो यहां पर दो चीजें नहीं है, एक तो ये नहीं है कि परीक्षाओं में सभी ने भाग लिया है, कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसने भाग ना लिया हो। उसके अलावा एक दूसरी चीज क्या नहीं है, एक दूसरी चीज ये नहीं है कि कोई भी विद्यार्थी तीनों में फेल नहीं हुआ है, सारे किसी न किसी एक सब्जेक्ट में पास हुए, ठीक है। तो 100% मान जो है वो वेन डायग्राम होगा। क्वेश्चन को हटा दो, क्वेश्चन को हटाइए जरा। तो देखो टोटल 60 के 60 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है तीन विषयों के लिए, तीन वेन डायग्राम बनेंगे भाई। एक वेन डायग्राम आपका मैथ्स के लिए बनेगा, दूसरा वेन डायग्राम आपका इंग्लिश के लिए बनेगा, और एक तीसरा वेन डायग्राम, ये इंग्लिश का मान लेते हैं भाई, तीसरा वेन डायग्राम तर्क शक्ति, तो इसको मैं रीजनिंग का मान लेता हूं। ये तीन वेन डायग्राम प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन में बनेंगे। थोड़ा लेते हैं भाई, ज्यादा जो है लाइट हो गया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो देखो यहां पर मैथ्स में कितने हैं भाई? 30। इंग्लिश में कितने हैं? 45। और रीजनिंग में कितने हैं? 40, ठीक है, ये तीनों में इंडिविजुअल। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? तो टोटल स्टूडेंट आप कहेंगे 60 हैं। इनमें से पूरे के पूरे विद्यार्थी बैठे हैं, उसके अलावा तीनों विषयों में कोई भी फेल नहीं है। तो देखो रेक्टेंगल अगर मैं बनाऊं तो यहां पे अगर पास वाले होंगे तो यही तो फेल वाले होते थे, लेकिन ये फेल वाले कितने हैं? 0। इसका मतलब पूरा जो वेन डायग्राम है उसकी वैल्यू कितनी है? 60, ठीक है। उसके बाद ये 30 40 और ये दिया है। उसके अलावा हमें क्वेश्चन में एक चीज और दी है, उसने ये कहा है, जरा क्वेश्चन को लगाना दोबारा, उस लैंग्वेज को समझना बहुत ही जरूरी है। इसमें ये कहा है यहां से आगे, कम से कम एक परीक्षा में सफल छात्रों की संख्या, तो कम से कम एक परीक्षा में सफल छात्रों का मतलब एक में भी, दो में भी और तीनों में भी छात्रों की संख्या कम से कम दो परीक्षा में सफल छात्रों की तुलना में 33 से 1/3% अधिक है, ठीक है। क्वेश्चन को हटाओ, तो 33 से 1/3% अधिक का मतलब बेटा प्लस फ्रैक्शन कितना बनेगा? 4/3। उसने कहा है कि कम से कम एक में, तो कम से कम एक वाले, इसका मतलब एक वाले भी होंगे इसमें, दो वाले भी होंगे, तीन वाले भी होंगे, और इसमें कम से कम दो, मतलब दो वाले होंगे, तीन वाले, एक वाले इसमें नहीं होंगे, और एक दो तीन मतलब एक सब्जेक्ट में भी पास होने वाले हैं, दो सब्जेक्ट में भी और तीन में भी, तो इसी को क्या कहते हैं? देखो ओनली एक सब्जेक्ट में पास होने वाले ये हो गए, ब्लैक इंक से हाईलाइट कर लेता हूं, केवल एक सब्जेक्ट में पास होने वालों को ये हो गए। दो सब्जेक्ट में पास होने वाले कौन से हो गए? तो दो सब्जेक्ट में पास होने वाले ये हो गए, जिसको मैं ब्लू इंक से हाईलाइट कर देता हूं, और
तीनों में पास होने वाले कौन से होंगे, इसको मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूं, ये बीच वाला भाग। तो इन सभी का जो मान है वो कितना है, 4, और यही हमको मान कितना दिया है, 60। इसका मतलब 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 60, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 15। तो 2 और 3 देखने वाले कितने हो जाएंगे, 15 = 45, 45 छात्र। उसके अलावा एक फिल्म देखने वाले कितने हो जाएंगे, तो अगर मैं 60 में से 45 को हटा दूं तो एक सब्जेक्ट में पास होने वाले विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो 60 में से 45 को माइनस करेंगे तो एक सब्जेक्ट में कितने पास हो जाएंगे, 15, ठीक है। और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 60। अब देखो, अब यहां पर अगर मैं 30, 45 और 40 इन तीनों को ऐड कर दूं तो उसमें कौन कौन सा भाग होगा ये बताओ। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, 30 + 45 + 40, ठीक है, 30, 45 और 40 इन सबको ऐड कर दूं तो 17 और 45 कितना हो जाएगा, 115। तो इस 115 में कौन कौन सा भाग होगा मुझे आप ये बताओ। तो आप कहेंगे सर 115 में 30 में क्या क्या होगा, ये ब्लैक वाला भाग आएगा, इंडिविजुअल ये वाला भाग आएगा। एक बार बिल्कुल बात को ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से ही सॉल्व होगा, फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होगा। अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, कंसेप्ट से इस क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। तो देखो, अगर मैं 30% मैथ वाले लूंगा तो इसमें ये वाला ब्लैक वाला भाग आएगा और ये एक बार आएगा, ये एक बार आएगा और ये भी एक बार आएगा, ठीक है। फिर मैं जब 45 लूंगा तो ये ब्लैक वाला एक बार आएगा, ठीक है। उसके अलावा ये फिर से आ जाएगा और ये फिर से आ जाएगा और ये अलग आ जाएगा। फिर जब मैं ये लूंगा तो उसमें ये आ जाएगा फिर से और ये आ जाएगा फिर से और ये फिर से आ जाएगा और ये वाला भाग होगा। इसका मतलब एक एक वाला भाग तो इसमें बस एक बार आएगा। देखो बात को ध्यान से समझना, इस 115 में, इस 115 में एक सब्जेक्ट में पास होने वाले, 2 सब्जेक्ट में पास होने और 3 सब्जेक्ट में पास होने वाले। तो इस 115 में एक सब्जेक्ट में पास होने वाले मतलब ये तो केवल एक बार आएंगे। कितने बार आएंगे भाई, 1 times, देख लेना ध्यान से समझना। क्यों, क्योंकि मैंने 30 को लिया तो ये वाला भाग आया, 45 को लिया तो ये वाला भाग आया, 40 को लिया तो ये वाला भाग आया। एक ही बार तो आ रहा है सब में, कॉमन नहीं आ रहा। लेकिन इस वाले भाग को देख लेते, ये वाला भाग कितनी बार आ रहा है। तो देखो, जैसे ही मैंने 30 को लिया तो ये भाग उसमें भी आ रहा था, जैसे ही मैंने 45 को लिया तो ये भाग फिर से आ गया। तो ये भाग कितनी बार आ गया, 2 बार। इसका मतलब इसमें दो विषयों में पास होने वाले विद्यार्थी कितने बार आएंगे, 2 times। 115 की बात कर रहा हूं मैं भाई, 2 times आएंगे। ऐसे ही देखो, 30 को मैं लूंगा तो ये तीनों वाला आ गया एक बार, फिर जब मैं 45 को लूंगा तो ये फिर से आ जाएगा, फिर मैं 40 को लूंगा तो ये फिर से आ जाएगा। इसका मतलब तीनों बार कितनी बार आ गया, तो ये वाला आपका भाग इस 115 में आ जाएगा 3 बार। आप चाहें तो मैं एक वेन डायग्राम और साइड में बना के आपको दिखा सकता हूं। देखो ये तीनों के लिए, तो 30% लेंगे तो कहां तक आ जाएगा, देखो ये वाला आ जाएगा। 30% लिया तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा, देखते चलना। और जब मैंने 45 लिया तो कौन सा हिस्सा आ जाएगा, ये वाला हिस्सा आ जाएगा, देखते चलना आप, ठीक है, आपको खुद दिखेगा। और जब मैंने 40% लिया तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। अब आप देख लो कि कौन सा हिस्सा कितनी बार आ रहा है। तो देखो, केवल ब्लैक वाला केवल एक ही मार्कर यहां तक आया है, इसका मतलब ये वाला हिस्सा एक बार आएगा। ऐसे इसमें केवल रेड मार्कर आया, ये हिस्सा एक बार आएगा, ये भी एक बार आएगा। तो एक एक विषय में पास होने वाले मात्र एक बार आएंगे। अब देखो, इस वाले हिस्से में ब्लू लाइन भी जा रही है, ब्लैक भी जा रही है, तो ये हिस्सा 2 बार आ गया। इसमें लाल भी जा रही है, ब्लैक भी जा रही है, ये हिस्सा 2 बार आ गया। इसमें लाल और ब्लू दोनों जा रही है, ये हिस्सा 2 बार आ गया। इसका मतलब 2 सब्जेक्ट में पास होने वाले इसमें कितने बार आ जाएंगे, 2 बार। और 3 वाले में देखो, तीसरे में ब्लू लाइन भी जा रही है, रेड भी जा रही है, ब्लैक भी जा रही है। इसका मतलब ये हिस्सा कितनी बार आ जाएगा, 3 बार। ये क्वेश्चन ऐसे ही कंसेप्ट से सॉल्व होगा भाई, ये फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होगा। अब उसके बाद हमसे क्या पूछा है, हमसे उसने पूछा है कि तीनों विषयों में पास होने वाले छात्र, मतलब ये रेड जोन बताना है, इसका मान कितना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें से 115 में से एक वाले और 2 वाले और 3 वाले एक बार घटा दूं मैं, तो फिर क्या बचेगा, ये देखो। तो 115 में से अगर मैं 60 घटा दूं तो कितना बचेगा, 45 बचेगा, 55 बचेगा। तो 60 में एक मूवी देखने वाले एक बार जाएंगे, 2 मूवी देखने वाले एक बार जाएंगे, 3 मूवी देखने वाले एक बार चले जाएंगे। इसका मतलब इस 55 में क्या बचेगा, 2 मूवी देखने वाले और 3 मूवी देखने वाले। एक वाले तो चले गए, 2 मूवी देखने वाले 2 बार आ रहे थे तो एक बार चले गए, तो इसका मतलब एक बार बच जाएंगे। 2 मूवी देखने वाले 1 times बच जाएंगे, 3 मूवी देखने वाले कितनी बार बच जाएंगे, 2 times, ठीक है। अब उसके बाद, अब मैं इसमें से ये 45 घटा दूं,
तो दो मूवी देखने वाले तो चले जाएंगे और तीन वाले एक बार चले जाएंगे, तो इसका मतलब तीन वाले एक बार बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे। इसका मतलब इस 55 में से, इस 55 में से जब मैं 45 और घटा दूंगा तो मात्र जो बाद में बचेंगे, बाद में कितने बचेंगे 10, तो इस 45 में क्या क्या चला जाएगा, इस 45 में दो मूवी देखने वाले चले जाएंगे एक बार और तीन मूवी देखने वाले चले जाएंगे एक बार। तो ये दो मूवी देखने वाले एक बार ये चले जाएंगे और तीन मूवी देखने वालों में से एक बार चले जाएंगे, तो मात्र एक बार बच जाएंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब तीन मूवी देखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, 10। इस प्रकार से वेन डायग्राम से रिलेटेड इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, उसके अलावा किसी भी फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे भाई, फॉर्मूले से नहीं सॉल्व कर पाएंगे, कंसेप्चुअल ही आपको चलना पड़ेगा कि हम जब ये चीज ले रहे हैं तो इसमें कौन कौन सा भाग आ रहा है और ये चीज ले रहे हैं तो इसमें कौन कौन सा भाग आ रहा है। तो आंसर आ जाएगा इसका 10। देखेंगे 10 कौन सी ऑप्शन पर, जरा क्वेश्चन लगाना, तो देखेंगे 10 कौन सी ऑप्शन पे है भाई, 10 ऑप्शन पे है बी। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बेटा बी हो जाएगा 10। ठीक है, इस प्रकार से हम परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चनों को कर लेते हैं, खाली स्लाइड लगाइए। तो इस प्रकार से आज हमने परसेंटेज से विभिन्न प्रकार के 14 क्वेश्चन देखे, ऐसे ही हम क्लासों में परसेंटेज पर अब केवल प्रैक्टिस ही करेंगे, कोई भी टाइप नहीं पढ़ेंगे, जो मिसलेनियस क्वेश्चन परसेंटेज से हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को स्टडी करेंगे ऐसे ही क्लास वाइज, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज के लिए इतना ही, यहां से आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, सही रहें, स्वस्थ रहें, बाय बाय, टेक केयर।